बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी वाइटी की प्यारी सी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसवर्क। कैसे हैं आप सब? और जुमात मुबारक हो सबको। ज़िलहज का पहला जुमा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सब की तमाम दुआओं को, जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। और व्यूवर्स, ज़िलहज का जो तोहफ़ा है वो आपको मैं दूंगी कि आप लोगों ने ज़िलहज के महीने में स्पेशली इट्स फर्स्ट 10 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन फर्स्ट 10 डेज़ में आप लोग जो हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह इसका विर्द ज़रूर करें, कलमा तैयबा का विर्द ज़रूर करें और उसके बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही इसका विर्द ज़रूर करना है आपने। और ज़िलहज के जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं, ये मंथ वैसे ही बाबरकत है, बट ये जो फर्स्ट 10 डेज़ स्पेशली ये जो हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जो निकियाँ कमा सकते हैं निकियाँ कमाएँ और ज़िलहज के फर्स्ट डेज़ को अपनी आखिरत में बख्शिश का ज़रिया ज़रूर बनाइएगा। और व्यूअर्स, आज मैंने सोचा चलें आपसे गपशप लगाई जाए। और बहुत से लोग जो हैं वो परेशान होंगे गर्मी की वजह से और दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह सुबहानहु व तआला गर्मी की इस लहर को जो है वो ख़त्म कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुबहानहु व तआला इस गर्मी की लहर को करेंगे ख़त्म। तो इसलिए व्यूअर्स, आज मैं यहाँ पर आपके साथ जो बात करूँगी वो बात करूँगी कि सख्त गर्मी में हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम ये दुआ यकीन के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुबहानहु व तआला मौसम को बेहतरीन कर देते हैं और वो मौसम ठंडा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, एक तो सिंपल दुआ जो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार वो पढ़नी चाहिए ऑल द टाइम, जब शदीद गर्मी हो। बिकॉज कहते हैं जब शदीद गर्मी होती है तो ये जहन्नम की आग में से जो है एक लहर आती है और वो फिर पूरी दुनिया में इस तरह से गर्मी जो है वो होती है। तो अल्लाह सुबहाना व ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। तो बस जो सख्त गर्मी में दुआ पढ़नी चाहिए वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मा शद्दा हर्रा हाज़ल यौमी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्री जहन्नमा। और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आज के दिन कितनी सख्त गर्मी है, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है कि अगर हमारे पास ये दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो हम आखिरत की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें आखिरत में जो जहन्नम का अज़ाब है उससे बचा के रखें और बहुत दूर रखें। और अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए ताकि हम जो हैं आखिरत में जहन्नम की आग से बच्चे रहें। तो भी बस ये थे आज ये दुआ जो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूं। और ज़िलहज के बबरकत महीने में बहुत सारी इबादत करें, मुझे भी दुआ में याद रखें, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं करें और स्पेशली मेरे अबू जी के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहाना व ताला करवट करवट उनको जन्नत जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनको जन्नत की तमाम राहतें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। और जब स्पेशली ज़िलहज के महीने में आपने जो है इबादत करनी है तो मुझ निकम्मी को भी याद कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुबहाना व ताला मुझे भी रखे राह रास्ते। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।